क्या कर रहे हो तुम? घोड़ों का जरा भी ख्याल नहीं रखते। वो यहाँ वहाँ क्यों है हा? पता है तुम्हें, वो मेरा 5 करोड़ का घोड़ा है। कितने का? जी सर, 5 करोड़ का। उसका ख्याल नहीं रखते। देखो वो कितना वीक हो गया है। जी सर, अभी देखता हूँ। बेवकूफ इंसान, तूने मेरी इतनी कीमती जैकेट पर भूसा डाल दिया। पता है कितने की है ये? पूरे 50 लाख की। कितने की? पूरे 50 लाख। हाँ, ये जूते देखो कितने के हैं पता है? पूरे 5 लाख के। कितने के? पूरे 5 लाख के। अच्छा सर, पैंट का भी बता दीजिए कि ये कितने का है। क्यों क्यों बताऊं तुम्हें कि ये पैंट 10 लाख की। चलो अपना काम करो, घोड़ों का ख्याल रखो। इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें। जी जी सर, पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, चलता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े भी मुझ पर हंस रहे हैं। जब देखो तब पैसे की शान दिखाता रहता है और मुझे बेइज्जत करता रहता है। ठाकुर, तुम्हें तो मैं ऐसा बदनाम करूंगा कि तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हाँ, तुम्हारे कपड़े भले ही लाखों के हों, लेकिन तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। खबरदार, जो एक कदम भी आगे रखा तो गोली मार दूंगा। Hands up. अरे भागो! ये देखो कौन आ गया। चुपचाप लॉकर की चाबी मुझे दे दे। ये लीजिए चाबी। कर ले बेटा, पुलिस को फोन कर ले, मुझे भी वही चाहिए। हेलो, अयो लड्डू सिंह जी, क्या बैंक में डाका पड़ गया? डाकू लोग बैंक को लूट रहे। क्या? हाँ, बैंक की इतनी हिम्मत? डाकू की इतनी हिम्मत? शिवा, यहाँ डाकू बैंक में डाका डाल रहे हैं। जल्दी आओ ASAP। पहले पहुँचो, मैं तुम्हारे बाद में पहुँचता हूँ। लड्डू सिंह के इलाके में बैंक लूट के भाग नहीं सकते। रुको, अरे 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 लड्डू सिंह जी, रस्सी कट गई है, अब क्यों उछलते जा रहे हो? थैंक यू शिवा, तुमने मेरी जान बचा दी। ओके लड्डू सिंह जी, वेलकम। अरे ये क्या हो गया? लगता है वो गुंडा भाग गया। अयो ये तो वही डाकू है। वड़ी बाबा, इसने तो सेम जैकेट पहना है।
तुम तो वही डाकू हो ना जिसने बैंक में डाका डाले थे। ए, क्या बकते हो, मैं डाकू लगता हूँ क्या? अरे शिवा, ये घोड़े वाला आदमी कौन है? चलो चलकर देखते हैं। स्वामी अंकल, ये भीड़ क्यों लगी है? अयो शिवा, ये वही आदमी है जिसने कल बैंक में डाका डाला था। अंकल, चोरी का माल कहाँ है? वापस कर दो वरना। ए बच्चे, मुझे चोर कहा? पृथ्वी सिंह ठाकुर को चोर कहा? तुम्हारी ये हिम्मत? बच्चा नहीं कहना अंकल। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। मेरे 10 लाख की जैकेट खराब कर दी, मेरी 5 लाख की पैंट गंदी कर दी। चोरी और सीन है चोरी, मारे इस चोर को। चोरी करता है और शिवा को मारते है। मेरी 2 लाख की घड़ी टूट जाएगी, मेरी 5 लाख की पैंट, मेरी 10 लाख की जैकेट। सर, ये आपके 1.5 लाख के जूतों को क्या हुआ? ओह, ये 50,000 का हैट। बेवकूफ नौकर, तुम इनके पैसे क्यों गिना रहे हो? वो बताना मेरा काम है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये 3-3 लाख के नहीं, 5-5 लाख के हैं। ये क्या है? 4 लाख की नहीं, 5 लाख की है। और ये जैकेट 50 लाख की है, 10 लाख की नहीं। तुम इनकी कीमत कम मत गिनाओ। देख लूंगा तुम्हें, सबको देख लूंगा। समझ क्या रखा है? मैं पृथ्वी सिंह ठाकुर हूँ। तुम क्या देखोगे ठाकुर? अभी तो देखते जाओ तुम्हारी कितनी बेइज्जती करवाता हूँ। पैंट जैकेट तो देखना दूर, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। चैन से रहना है तो होश में आओ। फेदार शहर में इन दिनों लासो मैन का आतंक है। वो घोड़े पे आता है और बंदूक के दम पे डाका डाल रहा है, चोरियां कर रहा है। फेदार शहर के लोग इससे बहुत परेशान है, पर लासो मैन चोरियों पे चोरियां कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कौन है जो मेरी तरह बनकर चोरियां कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है? हाँ बॉस, जो इंसान 5 लाख का एक जूता पहनता हो, 10 लाख की जैकेट पहनता हो, जिसकी घड़ी ही 2 लाख की हो, वो चोरी क्यों करेगा? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? खबरदार जो मेरी चीजों की कीमत कम की। चलो जाओ यहाँ से, मुझे कुछ करना होगा। ओफो, इसका मजाक उड़ाने चला था, इसने मुझे ही धो डाला। ये नहीं सुधरेगा। लड्डू सिंह जी, कोई मुझे बदनाम कर रहा है, मैं चोर नहीं हो सकता। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जी हाँ, आप लाखों की जैकेट और लाखों के जूते पहनते हैं, सुन चुका हूँ। लेकिन कानून सबूत मांगता है और सबूत आपके खिलाफ है। आप जाइए पेड़ाराम, ले जाओ इन्हें, जाइए। थैंक यू। ये क्या? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। हे शक्तिशाली बच्चे, इन्हें बताओ मैं चोर नहीं हो सकता।
मैं एक करोड़पति आदमी हूँ, चोरी क्यों करूँगा? 50 लाख की जैकेट पहनी है, 7 लाख के जूते, 2 लाख की घड़ी, 5 लाख का हाथ, सब मालूम है, लेकिन ये सब चोरी का है। नहीं बच्चे, ये चोरी का नहीं है, ये सब मेरा है। कोई मेरी ड्रेस पहनकर मुझे फंसा रहा है। किसी ने मेरा चेहरा देखा क्या? हाँ, मैं इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन के चोरी करूं तो क्या लड्डू सिंह जी चोर हो जाएंगे? इसका मतलब है आप चोरी करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शिवा, मुझे इनकी बातों में सच्चाई लगती है। हो सकता है चोर इनकी तरह कपड़े पहनकर चोरी कर रहा हो, ताकि चोरी वो करे और पकड़े ये जाए। हाँ रेवा, तुम्हारी बातों में दम है। जो भी है उसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। ऐसे तो कोई भी मास्क लगा के घोड़े पे आके चोरी कर सकता है। लड्डू सिंह जी, इन्हें छोड़ दीजिए। ओके शिवा, तुम कहते हो तो इसे छोड़ देते हैं, पर अगर ये चोर नहीं है तो चोर कौन है? हो सकता है इनका कोई दुश्मन हो। मुझसे कोई दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं करोड़पति हूँ, 5 लाख की तो सिर्फ। सर, इन्हें बंद कर दो, मैं ये लाख लाख सुन के थक गया हूँ। सॉरी, अब नहीं बोलूंगा, जाता हूँ। लेकिन जैकेट 50 लाख की है और जूते जो है ना। चोर को रंगे हाथों पकड़ने का ये अच्छा आइडिया है। लड्डू सिंह जी, टीवी में ये न्यूज जोर शोर से चलाइए, चोर फिर से चोरी करेगा और इस बार हम उसका इंतजार कर रहे होंगे। कल गोल्ड ट्रेन में सोना जा रहा है, पुलिस ने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि पुलिस अवेलेबल नहीं। अगर गोल्ड चोरी हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, ये पुलिस डिपार्टमेंट को बताना होगा। वाह, ये अच्छा मौका है। ट्रेन का गोल्ड लूट लेता हूँ, इल्जाम मालिक पे आएगा, मैं निकल जाऊंगा, फिर जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। जेल जाने का टाइम स्टार्ट हो गया है, चलो। अरे बच्चे, तुम यहाँ भी आ गए, तुम हो क्या भला? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। Thank you.
एक मिनट, ड्राइवर को फोन करना होगा। हेलो ड्राइवर, मैं इंस्पेक्टर लेटू सिंह बोल रहा हूँ। ट्रेन रोक दो। ऐसे ही नहीं, मैं इतना फेमस हूँ। अरे दो दो, दो चोर। चोर मैं नहीं, ये है। तुम चोरी कर रहे थे, मुझे बदनाम कर रहे थे। हाँ मैं, क्यों नहीं करता? 10 लाख का जैकेट, 5-5 लाख के जूते, 8 लाख की हैट, कह कह के मुझे पागल कर दिया था। अच्छा, तो इसका बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया? By the way, ये 10 लाख के जूते नहीं। देखो देखो, ये फिर शुरू हो गया। अंकल, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर इसे नीचा ना दिखाते तो ये ऐसा नहीं करता। इसने चिढ़ के ये सब किया। ओके, ठीक कहते हो। आज के बाद मैं फिर ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। तुमने चोरियां की हैं, तुम्हें जेल तो जाना ही होगा। वहां 1 रुपए की रोटी खाना और 2 रुपए की सब्जी। देखो देखो, ये फिर शुरू हो गया। ओके, अब मैं कुछ नहीं बोलता। चलो चलो, अब चलो हवालात, और वहां मुझे बताना कि कितने कितने रुपए की चोरी की। चलो चलो।